हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहला है हमारे सामने किक द बकेट। इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना। तो कैसे याद करेंगे? किक द बकेट। अब कोई बुजुर्ग इंसान को आपको हो कि इस बकेट यानी बाल्टी में किक करो, उसने किक मारी और डाय। ठीक है, हो जाएगा किक द बकेट टू डाय। नेक्स्ट है हमारे सामने अ ग्रीन हॉर्न, और इसका मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ग्रीन हॉर्न यानी ऐसा इंसान जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, बिल्कुल फ्रेशर। तो देखिए, ग्रीन मींस हरा और हॉर्न मींस सींग। तो आपने देखा होगा जो बछड़ा होता है गाय का, जब शुरुआत में उसके हॉर्न यानी सींग निकलते हैं तो वो ग्रीन ग्रीन से होते हैं। ठीक है, अ ग्रीन हॉर्न मींस एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट है हमारे सामने बिग ड्रॉ। इसका मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन। ड्रॉ लकी ड्रॉ भी निकलता है। लकी ड्रॉ में आपको करोड़ों रुपए अगर निकलते हैं तो सबका अट्रैक्शन आपकी तरफ, ह्यूज अट्रैक्शन आपकी तरफ हो जाएगा। ठीक है, अ बिग ड्रॉ ह्यूज अट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे सामने ऑल मून शाइन, और इसका मतलब होता है टोटल लाइज। अब देखिए, मतलब बिल्कुल झूठ। कैसे याद करेंगे? ऑल मून शाइन। अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि ऑल मून, मून जो है वो तो पूरी तरह से उसकी जो शाइन है वो मेरी है या मेरे लिए है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल लाइज। फिर हम यहां क्या कर रहे हैं? ठीक है, ऑल मून शाइन टोटल लाइज। नेक्स्ट है हमारे सामने फॉर्म एट द माउथ। इसका मतलब होता है टू बी एंग्री। अब देखिए, फॉर्म से आप निकाल लीजिए, झाग होते फॉर्म मीन्स। सो आपने देखा होगा जब कोई इंसान गुस्सा हो जाता है तो झाग डाल देता है ना, कहते हैं ना कि गुस्से को झाग डाल गया, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ठीक है, फॉर्म एट द माउथ मीन्स टू बी एंग्री। नेक्स्ट है हमारे सामने पिन मनी, और इसका मतलब होता है एडिशनल मनी यानी अतिरिक्त पैसा। जैसे कि किसी भी काम के लिए पैसा दिया गया है, उसके अलावा कोई बचा हुआ पैसा हो उसको हम बोलते हैं एडिशनल मनी। तो या फिर किसी भी लेडी को घर खर्च के लिए जो दिया गया है, उसके अलावा उसके पर्सनल खर्च के लिए जो पैसा दिया गया है, तो उसको हम पिन मनी बोलते हैं। तो आप उसको याद कैसे करेंगे कि वो उस मनी को अपने पिन बालों में लगा के रखती है, एक्स्ट्रा मनी को। ठीक है, पिन मनी मींस एडिशनल मनी। नेक्स्ट है हमारे सामने सॉल्ट ऑफ द अर्थ। गुड ऑनेस्ट एंड आइडियल, बहुत ईमानदार इंसान को बोलते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, और इतने ईमानदार होते हैं कि अगर वो किसी घर पे खाना खाने जाए तो सॉल्ट भी अगर कम होगा ना तो अभी चुपचाप खा लेते हैं। हाँ, ऐसा होता ही नहीं होता सानू। हाँ बिल्कुल, सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स गुड ऑनेस्ट एंड आइडियल। नेक्स्ट है हमारे सामने स्ट्रेन एवरी नर्व, और इसका मतलब होता है मेक ऑल एफर्ट्स या ट्राई ऑल ट्रिक्स। तो स्ट्रेन मीन्स होता है छानना, और नर्व्स कहते हैं ना, मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूं, ऐसे इस तरह से बोलते हैं ना, यानी छानी हुई है नर्व्स। ठीक है, ये आज पर कोई भी पैतरा आप आज मालूम ये नहीं मानेगा आपकी बात। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, स्ट्रेन एवरी नर्व। ठीक है, मेक ऑल एफर्ट्स ऑफ या फिर ट्राई ऑल ट्रिक्स, सारी ट्रिक्स आपने आजमानी। नेक्स्ट है हमारे सामने व्हाइट एलिफेंट, और इसका मतलब होता है अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, यानी ऐसा ऐसी कोई चीज जो महंगी हो और यूजफुल भी ना हो, बेकार हो। तो सिंपल, व्हाइट एलिफेंट अगर आप खरीदोगे तो आपके किसी काम का तो है नहीं। ठीक है ना, एक तो महंगी हुई और उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि आप डोल ही निकल जाओ उसके साथ, ऐसा हो सकता है? ठीक है, व्हाइट एलिफेंट मीन्स अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। नेक्स्ट है हमारे सामने पिकॉन, और इसका मतलब होता है वॉर्न सिवरली, यानी कि सख्ती से किसी को चेतावनी देना, वॉर्न करना। तो बच्चों, आप पहले किसी को सख्ती से समझाओ, अगर वो नहीं माने तो पिक मीन्स पकड़ो उसका ग्रेवन ऑन और उठा दो। ठीक है, पिकॉन मीन्स वॉर्न सिवरली। ठीक है, चलिए एक बार इनको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोनों, देखो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने वेयर इज द हैचेट। इसका मतलब होता है मेक पीस या फिर फॉरगेट द क्वारल्स, शांति बनाना या पुराने झगड़ों को भूल जाना। ठीक है, झगड़ों को भूल जाना। कैसे याद करेंगे? बेरी मीन्स दफनाना, हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी। ओके, तो कुल्हाड़ी को दफना दो, नहीं तो लड़ाई हो जाती है ना, कुल्हाड़ी से सर में मार दो किसी के। ठीक है, बेरी द हैचेट मीन्स मेक पीस या फॉरगेट द क्वारल्स।
क्वारल्स। नेक्स्ट है कीप अप विद, मींस गो एट इक्वल पेस, तो जो जो काम आप अभी कर रहे हैं उसी सेम स्पीड से करते रहना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कीप अप विद, गो एट इक्वल पेस, कहते हैं ना कीप अप विद अ गुड वर्क। नेक्स्ट देखिए चिकन हार्टेड मींस कावर्ड या फिर टिमिड। अब देखिए चिकन, मुर्गी के बच्चे को भी चिकन बोलते हैं, अब उसका दिल कैसा होगा भाई, वो डरपोक ही होगा, और उसके जैसा दिल अगर किसी इंसान का तो उसको भी डरपोक ही बोलेंगे, चिकन हार्टेड, ठीक है, चिकन हार्टेड मींस कावर्ड या फिर टिमिड। नेक्स्ट है इन अ जिफी, और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, यानी कोई भी चीज बहुत जल्दबाजी में की गई, ठीक है, हो जाएगा इन अ जिफी, जैसे ऐसे बोल सकते हो इन अ जी फी दे दो और जल्दी विदा करो यहां से, इन अ जिफी, ठीक है, याद हो जाएगा, इन अ जिफी मींस समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली। नेक्स्ट है हरकुलीन टास्क, इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क, हरकुलीन से आप याद कर सकते हो, हर कुली जितने भी कुली है ना उनका टास्क, उन्हें जो काम दिया जाता है वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है भाई, बहुत सारा बोझा उठा के लेके जाते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक, ठीक है, हरकुलीन टास्क मींस वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे याद करेंगे, देखिए अगर आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं और लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो आपके पड़ोस वाली आंटी कहती है कि ध्यान रखना तुमने जो म्यूजिक चला लिया अब तुम बर्दाश्त करोगे, यानी तुम्हें झेलना पड़ेगा जो भी परिणाम निकलेगा अगर मैंने अपना म्यूजिक स्टार्ट किया तो, ठीक है, टू फेस द म्यूजिक टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। नेक्स्ट है गिव समबडी अ रिंग, मींस कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, सिंपल वेरी इजी है, गिव समबडी अ रिंग, किसी को भी कॉल करना, याद हो जाएगा, ठीक है, जैसे गिव हिम अ रिंग यानी कॉल हिम, ओके। नेक्स्ट है ऑल माइट एंड मेन विद फुल फोर्स, ऑल माइट एंड मेन मतलब पूरी ताकत से, ठीक है, अगर आप लड़ो तो विद फुल फोर्स यानी विद माइट एंड मेन, याद हो जाएगा, चलिए आगे देखिए। अच्छा मैंने याद ऐसे कराया था एक बार, ऑल माई जितनी भी माई है वो और मैं, हम लोग दौड़ने निकले विद फुल फोर्स के साथ, ऑल माइट एंड मेन, ऑल माई और मैं विद फुल फोर्स, यू नो वेंट फॉर रनिंग, ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, हिडन एनिमी, आस्तीन का सांप कहते हैं ना, छुपा छुपा हुआ दुश्मन जो होते हैं, ठीक है, ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, जो भी आपका ऐसा दुश्मन हो आप उसकी इमेज कर सकते हो, ठीक है सोनू, स्नेक इन द ग्रास हिडन एनिमी। एंड लास्ट हमारे पास थ्रो अप द स्पंज टू सरेंडर। अब देखिए बच्चों, अगर कोई भी अच्छे कपड़े पहनकर, जैसे शादी में आप गए और बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आपका दोस्त और आप लोग भी पहुंचे, अगर कोई भी इंसान आपके पास नहीं आता है, यानी आप बुलाते हैं और वो नहीं आता है, तो आप स्पंज उठा लो, स्पंज होता है ना एक रसगुल्ला आता है, बस स्पंज उठा लो और कहता है कि अगर तू नहीं आया तो थ्रो, मतलब तेरे ऊपर स्पंज फेंक दूंगा मैं, ध्यान रख लियो, फिर तो उसके कपड़े खराब होंगे, तब तक तो सरेंडर करना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा आपके पास, ठीक है, थ्रो अप द स्पंज मींस टू सरेंडर, ठीक है, ईजी है, चलिए इनको और देख ले फिर आगे बढ़ते हैं, ओके, टेक योर टाइम। यस फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि सारे idioms एंड phrases आपको याद हो गए होंगे और बहुत आसान भी है, मजेदार है, इनको यूटिलाइज करें अपनी स्पीकिंग में और रिविजन जरूर करें, ओके, टेक केयर।